वालेकुम, हाउ आर यू ऑल। दिस इज़ एस ए। हूँ आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ कुछ नए प्रोडक्ट्स लेके। और ये प्रोडक्ट्स हैं म्यूसिन के, नाम तो सुना ही होगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं म्यूसिन की इस मॉइस्चराइजिंग क्रीम की, गोट मिल्क मॉइस्चराइजिंग क्रीम। ये दिखने में इसका ऐसी है ये। अच्छा, इसके साथ कोई डब्बा वब्बा नहीं आया था, ये ऐसी तरह से आई थी, कोई बॉक्स नहीं था। तो मैं खोल के दिखाती हूँ। ये हमने इसको खोला, अंदर है एक स्टॉपर। ये हमने इसको खोला, ये इस तरह की है। इसे दिखने में बहुत ही अच्छी क्रीमी टेक्सचर है और बहुत ही लाइट वेट है। ये ऐसा बहुत ही लाइट वेट है, बहुत जल्दी स्किन पे एब्जॉर्ब हो जाती है। ये देखें, अच्छा लगाने के बाद हल्की सी ना वाटरी कंसिस्टेंसी में आ जाती है, जो कि बहुत अच्छा लगता है। और ना ग्रीसी बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही अच्छा फील देती है स्किन को। अच्छा, मैंने इसको लगाया, कुछ दिन लगाया मैंने इसको, टेस्ट किया कि कैसी है। तो एज अ मॉइस्चराइज़र ये बहुत अच्छी है। इसके अलावा मॉइस्चराइज़र के अलावा कोई और दूसरा काम नहीं करती है। मॉइस्चराइजिंग इससे बहुत अच्छी मॉइस्चराइज़र कर देती है स्किन को। दूसरा, ये लोग खुद भी यही क्लेम करते हैं कि ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम ही है गोट मिल्क की। और इन्होंने लिखा है वाइटनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग माइल्ड क्रीम। वाइटनिंग का तो पता नहीं, लेकिन मॉइस्चराइज बहुत अच्छी कर देती है। और इसकी प्राइस है आई थिंक 1400, और ये 50 ग्राम्स आती है, ये 50 ग्राम की क्रीम है। अच्छा, तो ये तो था इस क्रीम का रिव्यू। मॉइस्चराइज बहुत अच्छा कर देती है, बहुत अच्छी है ना, आपको बहुत अच्छी प्लम्पी सी स्किन लगती है, सॉफ्ट सी स्किन लगती है। मेकअप से पहले भी लगा सकते हैं, अच्छा मॉइस्चराइज़र है ये, अच्छी है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। ये है म्यूसिन का स्क्रब, ये डर्ट अवे स्क्रब एंड क्लिनजर। ये 140 ml है, 1500 का जार है। इसको मैं खोल के बताती हूँ। ये हमने खोला और ये आता है जार बाहर। ये इस तरह का कुछ है, ये हाउ टू यूज़ लिखा हुआ है, ये इसका सब कुछ लिखे हैं डब्बे में, लिखे होंगे इंग्रेडिएंट्स, बेनिफिट्स, ये रहे इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं। अच्छा, इसमें जो है इन्होंने इंग्रेडिएंट लिखे हैं ये, अच्छा इसमें स्क्रब जो है इन्होंने दिया हुआ है सी सोल्ट, एक ये सी सोल्ट, ये स्क्रब का पार्टिकल्स इसमें है सी सोल्ट के। और इसके अलावा ये पीच सीड पाउडर। तो ये जो है इसमें स्क्रब के पार्टिकल्स हैं, बहुत ही माइल्ड अच्छे पार्टिकल्स हैं। मैं इसको खोल के बताती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, तो ये मैं खोल के दिखाती हूँ, ये हमने खोला। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने स्पेचुला दिया हुआ है एक, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी बात, इस तरह का है। और इसके अलावा हमने ये खोला, जेल कंसिस्टेंसी में। मुझे इस तरह के प्रोडक्ट्स बहुत पसंद हैं जो जेल कंसिस्टेंसी में हो, पता नहीं क्यों। और ये है इस तरह का, ऐसे इसकी कंसिस्टेंसी देखें, बहुत ही बारीक इसमें जो स्क्रबिंग पार्टिकल्स हैं, ऐसे तो दिख भी नहीं रहे, हल्के स्किन पे हल्के हल्के फील होंगे। जब मैंने इसको लगाया था, लगाते साथ ही ना बहुत ही स्मूथ सा अच्छा सा लगा। मैंने इसको जब स्क्रब किया तो 2 से 3 मिनट बाद जो है मुझे हल्की सी ना टिंगलिंग सी अपने फेस पे महसूस हुई, हल्की सी जलन सी। तो लेकिन मैंने जज्बात में कुछ ज़्यादा ही रगड़ दिया था, तो शायद इस वजह से। तो अगर आप इसके पार्टिकल्स बहुत ही बारीक हैं, सेंसिटिव स्किन वाले भी कर सकते हैं यूज़, लेकिन मसला ये है कि बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं है, बहुत ही हल्के हाथों से करना है और मैक्सिमम 5 से 7 मिनट करें एंड दैट्स इट, स्किन अच्छे से साफ़ हो जाएगी। मैंने इसको लगाया और मैंने हल्के हल्के मतलब थोड़ा हाथों से मैंने इसको मतलब सर्कुलर मोशन में मैंने इसको मसाज किया अपने फेस पे अच्छी तरीके से। 3 मिनट बाद जो है ना मुझे लगा हल्की हल्की सी, मुझे अपर लिप्स में हल्की सी चीक्स पे मैंने थोड़ी सी जलन हुई थी, ज़्यादा नहीं हुई थी, लेकिन मैंने बर्दाश्त किया था, इतनी ज़्यादा जलन नहीं हुई थी मुझे। और ना फिर थोड़ी देर बाद ही हल्का सा वाइट वाइट सा हो गया, इसे साबुन हो जाता है क्योंकि इसमें लिखा हुआ है ना क्लिनजर भी है, तो इस वजह से। और बाकी मैंने फिर 3-5 मिनट बाद मैंने अपना फेस नॉर्मल वाटर से मैंने अपने फेस को धो लिया, और लेकिन इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा था। मुझे बहुत अपना फेस बहुत क्लीन और साफ़ सुथरा सा महसूस हो रहा था, जैसे
बर्तन धो के को अच्छी तरह मांझ के चमका देते हैं ना, बिल्कुल वैसी तरह इसने मतलब फील दिया था, स्किन को अच्छी खासी चमक गई थी स्किन। लेकिन हाँ, ज़्यादा नहीं करना क्योंकि फिर स्किन ड्राई हो जाएगी, क्योंकि इसमें ना सॉल्ट सी सॉल्ट मिला है ना, तो अगर ज़्यादा करेंगे तो स्किन ड्राई हो जाएगी। तो ज़्यादा नहीं करना, थोड़ी देर करना है, हल्के हाथों से करना है। स्क्रब अच्छा है, क्लिनजर भी अच्छा है, आपकी स्किन अच्छे से साफ़ हो जाएगी। और इसके अलावा हाँ, इसकी खुशबू मुझे बहुत पसंद आई, बहुत ही हल्की सी माइल्ड सी खुशबू है। अच्छा, इस मॉइस्चराइजर की खुशबू भी ना बहुत ही हल्की सी है, प्यारी सी स्मेल है, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ओवर पावरिंग नहीं है, बहुत ही हल्की सी इसकी स्मेल है, अच्छी लगती है। और स्क्रब भी अच्छा है, काम अच्छा करता है, स्क्रब का सारा काम करता है और स्किन अच्छी साफ़ सुथरी लगती है। हाँ, करने के बाद मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्किन ड्राई हो जाएगी अगर मॉइस्चराइज़र नहीं लगाया तो। और ड्राई स्किन वाले मैं हाथ से मैं तो उनको रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे हाथ से स्किन ड्राई कर देगा ये। लेकिन ये ऑयली स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल स्किन वाले कर सकते हैं, सेंसिटिव स्किन वाले भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा देर तक ना करें स्क्रब। और इसके अलावा एक्नी स्किन वाले मेरे हाथ से ना करें, क्योंकि इसमें सॉल्ट है, अगेन बता रही हूँ, तो हो सकता है कि उसकी वजह से जलन मचे, तो एक्नी स्किन वाले मेरे हाथ में इसको नहीं कर पाएंगे। और जहाँ अगर आपकी स्किन कटी हुई है या छिली हुई है तो वहाँ पर भी इसको इस्तेमाल ना करें, क्योंकि फिर जलन होगी। और लेकिन अदरवाइज स्क्रब पूरा मुझे पसंद आया है, बहुत अच्छा। 140 ml का जार है, 1500 का स्क्रब है, तो अच्छा चल जाएगा, क्योंकि स्क्रब हफ्ते में एक बार या दो बार ही करते हैं। मुझे ये स्क्रब बहुत पसंद आया, और लेकिन मुझे ये पसंद नहीं आई क्रीम इतनी, क्योंकि सिंपल मॉइस्चराइज़र है ये और मुझे काफ़ी महंगी लगी। तो इस मतलब कि हाँ, क्रीम अच्छी है, मॉइस्चराइज़र भी अच्छा करती है, लेकिन मुझे कॉस्टली लगी बस। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो ले लो, क्रीम अच्छी है और स्क्रब भी अच्छा है, तो मुझे दोनों चीज़ें बहुत पसंद आई। चलो, अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।